नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपके साथ। वो कहते हैं ना कि ऊपर चढ़ने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज हो धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। एक बार एक राज्य में पंडित जी रहा करते थे। उनकी बुद्धि की चर्चा तो दूसरे राज्यों में भी हुआ करती थी। हर कोई उन्हें विद्वान समझता था और मानता था। एक बार राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनसे चर्चाएं शुरू हुई, बातें हुई। जब ये पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देव एक बार रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप इतने महान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, लोग कहते हैं बहुत ज्ञानी हैं, फिर आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे बेटे को मूर्ख कह रहे हैं? तो राजा ने बताया कि आपके बेटे को सोने या चांदी में से क्या मूल्यवान है वही पता नहीं है। जैसे राजा ने यह बोला, पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी के वहाँ पर खिल्ली उड़ गई। पंडित जी नाराज हो गए पर कुछ कह नहीं पाए, अपने घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे तो उनका बेटा उनके लिए जल लेके खड़ा था। जैसे पिताजी आए वो जल लेके पहुँच गया। लीजिए पिताजी, जल पीजिए। पिताजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। पिताजी ने बोला कि पानी वानी हटाओ, पहले ये बताओ कि सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है? पंडित जी के बेटे ने टपाक से जवाब दिया, पापा सोना मूल्यवान है। तो पंडित ने कहा, बेटा उत्तर तो तुमने बिल्कुल सही दिया, तो फिर राजा साहब ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपका बेटा बड़ा मूर्ख है, वो सोने और चांदी में फ़र्क नहीं कर पाता? बेटा सारी बात समझ गया। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप बैठिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। पिताजी, जिस रास्ते से मैं अपने स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, वहाँ पर राजा साहब अपना रोज़ दरबार लगाते हैं। वहाँ बड़े सारे लोग आते हैं अलग अलग राज्य से, तो मुझे भी वहाँ बुलाते हैं, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। वो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा एक हाथ में सोने का सिक्का है, एक हाथ में चांदी का सिक्का है, जो तुम्हें ज़्यादा मूल्यवान लगे उठा के ले जाओ। तो मैं रोज़ घर पे एक चांदी का सिक्का ले आता हूँ। लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और मैं चुपचाप घर आ जाता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें मालूम है इन दोनों में से क्या मूल्यवान है, तो सोने का सिक्का उठा के आ जाओ ना घर एक बार। मेरी फजीहत तुम्हारी फजीहत क्यों करवा रहे हो इतने सारे लोगों में? बेटा जोर से हंसने लगा, कहा पिताजी मेरे साथ आइए। बेटा जोर से हंसने लगा, कहा पिताजी मेरे साथ आइए, और वो पिताजी को साथ ले गया। लड़के ने अपने कमरे में जाके एक संदूक निकाली, संदूक खोली तो उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तो ये पंडित जी थे वो पूछने लगे कि ये सब कहाँ से है? तो लड़के ने कहा, पिताजी बस यही हो रहा है, हर दिन वो जाता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं क्या मूल्यवान है, और मैं चांदी का सिक्का ले आता हूँ। तभी तो आप देखिए पूरा संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, ये सारा खेल बंद हो जाएगा। पंडित जी तो ये बात समझ गए और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ये बात समझे, तो अपने बेटे को लेकर निकल पड़े। वो राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के दरबार में जाके बेटे ने अपनी पूरी बात समझाई। उसने पूरी बात समझाई कि मैं चांदी का सिक्का असली उठाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सिक्के मिल गए, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया आप सिक्का देना बंद कर देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने सोने से भरी एक संदूक उठाई, उस बेटे को सौंप दी और राजा ने कहा, तुम हो असली विद्वान। ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है कि जो आपका सामर्थ्य है, आपका टैलेंट है, उसका दिखावा ना करें। जब सही वक्त आएगा वो टैलेंट अपने आप में लोगों को दिख जाएगा। अगर आप ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो डरिए मत, बस संघर्ष करते रहिए। और याद रखिए, एक दिन आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। ये था निखिल आमेरिया की तरफ से एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे ऑल इंडिया पॉडकास्ट। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।